एसबीआई ने एसोसिएट बैंकों के साथ मर्जर को दी मंजूरी। एसबीआई के 28 शेयरों के बदले मिलेंगे स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर के 10 शेयर। एसबीएम के 10 शेयरों के बदले एसबीआई के 22 शेयर मिलेंगे। आरबीआई और सरकार से मंजूरी मिलना बाकी। आरबीआई के नए गवर्नर के नाम पर फैसला जल्द संभव। नए गवर्नर के नाम पर चर्चा के लिए आज पीएम मोदी से मिले वित्त मंत्री अरुण जेटली। उर्जित पटेल, सुबीर गोकर्ण रेस में शामिल। अरविंद सुब्रमण्यम का भी नाम आगे। बाजार में दो दिन की गिरावट पर लगा ब्रेक। सेंसेक्स में 118 और निफ्टी में 49 अंकों की तेजी। निफ्टी भी 8,650 के पार, 17 महीने की ऊंचाई पर। बैंक निफ्टी, पावर बैंकिंग, रियल्टी शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी। केन वेदांता मर्जर पर सेबी की जांच जारी। मर्जर की नई शर्तों के ऐलान के पहले ही शेयरों में तेजी की पड़ताल। ट्राई को मिल सकता है पेनल्टी लगाने का अधिकार। सूत्रों के हवाले से खबर। ट्राई की सिफारिशों को दूरसंचार विभाग ने दी हरी झंडी। 10 करोड़ रुपए तक पेनल्टी लगाने का पावर देने की ट्राई ने की थी मांग। ऑनलाइन मार्केटप्लेस शॉपक्लूज को खरीद सकती है चीनी इंटरनेट कंपनी अलीबाबा। दोनों कंपनियों में बातचीत जारी। शॉपक्लूज की कुल वैल्यूएशन 6,700 करोड़ रुपए से ज्यादा। भारती टेलीकॉम में 7.39% हिस्सेदारी खरीदेगी सिंगापुर टेलीकम्युनिकेशंस। 4,400 करोड़ रुपए कैश में पूरी होगी डील। डील दिसंबर 2016 तक पूरी होने की उम्मीद। कश्मीर पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का विवादित बयान। कश्मीर को बताया इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर, बीजेपी ने बोला हमला। कांग्रेस को भी मंथन करने की आवश्यकता है ताकि उनकी नीति में स्पष्टता आए।